गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इंजीनियरिंग ग्राफिक इन विच वी विल डील डायगोनल स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दिस इज लेक्चर नंबर 11 एंड प्रॉब्लम नंबर 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड सहारनपुर इज 200 किलोमीटर। दिल्ली से सहारनपुर का दूरी 200 किलोमीटर है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए सर्टेन मैप बाय 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। इसको 5 सेंटीमीटर में ही मैप पर दिखा दिया गया, पेपर पर दिखा दिया गया। फाइंड आरएफ, आरएफ को पता करना है। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल शोइंग सिंगल किलोमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 600 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ की जगह आपको लॉन्ग इनफ या मेजर अप टू रहेगा, तो वही हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ। ये मैक्सिमम लेंथ हुआ 600 किलोमीटर। सो ए डिस्टेंस ऑफ 4467 किलोमीटर ऑन दिस स्केल, 467 किलोमीटर स्केल पर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। देखिए, लेंथ ऑन माय 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस 200 किलोमीटर, मैक्सिमम लेंथ 600 किलोमीटर, 200467 किलोमीटर। ओके, तो आरएफ अप को पता नहीं, आरएफ को बताए थे, मैं आपको बहुत समझाया था आरएफ के बारे में कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन माय बाय एक्चुअल डिस्टेंस, लेंथ ऑन माय बाय एक्चुअल डिस्टेंस, या फिर स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, ये सब आरएफ। तो छोटा यहाँ पर देखिए कौन है, छोटा 5 सेंटीमीटर है और बड़ा 200 किलोमीटर है। तो छोटा बाय बड़ा या फिर स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, तो उसी के लिए मैं लिखा स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, या फिर लिखेंगे लेंथ ऑन माय बाय एक्चुअल लेंथ, या लिखेंगे जो मैं आपको बताया हूँ स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, लेंथ ऑन माय बाय एक्चुअल लेंथ, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन माय बाय एक्चुअल डिस्टेंस, ये सब होता है आरएफ। तो छोटा होगा 5 सेंटीमीटर, उसको ऊपर रखेंगे, बड़ा 200 किलोमीटर नीचे रखेंगे। अब आप जानिए कि 5 सेंटीमीटर और 200 किलोमीटर, और आप ये देखिए कि आपके पास सेंटीमीटर में, किलोमीटर में आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता है। आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किलोमीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाएंगे, किलोमीटर से जब सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1/50 यानी 10^5, 1/5 होगा, ठीक है। तो और क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा से छोटा जाते हैं तो गुना करते हैं। तो अब मैं इसको गुना कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा अब सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर कट जाएंगे, और भी कट के हमको आएगा 1/40 × 10^5, यानी 1/5 हुआ, यही इसका मतलब हुआ। ये आप समझ गए आरएफ का वैल्यू हमको इतना आएगा करने पर। एलओएस का फॉर्मूला आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ, आरएफ आपको 1/4/60, मैक्सिमम लेंथ आपके पास है 600 किलोमीटर। किलोमीटर में है ये, किस चीज़ में, किलोमीटर में है, आपको लाना सेंटीमीटर में। तो इससे हो जाएगा, मैं आपको बताया हूँ किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1/5 होगा, उसको 10^5 लिख सकते हैं। तो जो ये इस तरीके से कट जाएगा, ये इस तरीके से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको 15 सेंटीमीटर ही आंसर आया। और जब ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो, यही समझना होता है, बाकी सब जो हम स्केल में करते हैं वही करेंगे, बाकी सब आसान है, वेरी ईजी है।